नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के वो गोल्डन रूल्स देखेंगे कि जो कि सक्सेसफुल पीपल या सक्सेसफुल लोगों का एक सीक्रेट है, जिनका इस्तेमाल करके आज वो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन एक्टिवेट कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे कि सबसे पहले बताऊंगा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत आखिरकार क्यों है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और आखिरी में मैं बताऊंगा कि जब हम कुछ प्लान करते हैं तो उसमें हमको अपना जो एसेट है या जो हमारे पास पैसा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या फिर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे और कितना करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है वो होता है आपका गोल। आपका गोल यानी एक तरीके से आपका सपना। जब से आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं या जॉब करना शुरू करते हैं तब से आपके कुछ सपने बन जाते हैं कि आपकी एक अच्छी वाइफ हो, आपके पास एक बड़ी कार हो, एक बड़ा बंगला हो, आपका जो फैमिली है वो एक अच्छा रहे, आप वर्ल्ड टूर करें, घूमने जाएं कई कई जगह पे, और जब आपका रिटायरमेंट हो तो वो भी बहुत ही शांति से और खुशी वाला रहे। तो ये सब जो आपके सपने रहते हैं ये एक तरीके से आपके गोल होते हैं। अब जैसा कि हमने देख लिया कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक टूल है जिसका यूज़ करके हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो यही होता है कि आप अपने गोल्स को, अपने सपनों को पहले से फिक्स करें कि क्या क्या हैं, जैसे रिटायरमेंट, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये आपके जो हैं गोल हो गए। फिर इसमें दूसरा स्टेप होता है कि आप अपने जो गोल हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, उनको डिसाइड करें कि सबसे पहले आपको कौन सा गोल अचीव करना है या कौन सा गोल आपका सबसे पहले कंप्लीट हो सकता है। तीसरा स्टेप रहता है कि आप अपने गोल्स के लिए प्लान करें कि उनके लिए कितना पैसा लग सकता है और वो पैसा आप कैसे इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो तीनों स्टेप हैं, आइडेंटिफाइंग योर गोल, प्रायोरिटाइज योर गोल और प्लान फॉर योर गोल, मतलब आपके सपने क्या हैं, उनको पहले कौन सा सपना पूरा करना है और उन सपनों को कैसे पूरा करना है, ये जो तीन प्रोसेस हैं ये मिलके आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बनाता है। दोस्तों, चलिए अब ये देख लेते हैं कि अपने गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। कि कोई भी गोल आप अपने लिए नहीं ले सकते, जो गोल होते हैं लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखने चाहिए। तो आपके लिए जो नॉर्मली एक इंसान के लिए रहता है कि उनकी एक शादी हो जाए, एक अच्छी वाइफ रहे, कार रहे, एक अच्छा रिटायरमेंट रहे, एक घर रहे अच्छा खासा बड़ा, और फैमिली टूर पे आप जा सकें, और उनमें से एक गोल आ जाता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका एजुकेशन। ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से आपके गोल होते हैं और इनको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगला जो स्टेप रहता है वो होता है प्रायोरिटाइज योर गोल, अपने गोल को किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको आप टाइम वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाता है जिसमें आपकी शादी और आपकी एक कार जो कि जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। मीडियम टर्म गोल्स में हो जाता है घर और फैमिली टूर जो कि कम से कम 7-8 साल या 10 साल के बाद होना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है जो कि आता है कम से कम 20-25 साल के बाद, जिसमें आपके बच्चों की हायर एजुकेशन और उसके बाद आपका रिटायरमेंट। सो इस तरीके से आपको जो आपके गोल हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब अगला स्टेप आता है कॉस्ट ऑफ योर गोल्स। आपने बहुत से गोल सेट कर लिए हैं लेकिन उनका कॉस्ट कितना आएगा, क्या उसको पूरा करने के लिए आप जितने अर्निंग अभी हो रही है या जितनी सेविंग अभी आपकी हो रही है वो काफ़ी है क्या, ये सारी चीज़ को पता करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अगला स्टेप जो आता है वो होता है कि अपने फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करना। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पता करें कि आपका इनकम कितना है, आपका इन हैंड या फिर आपके अकाउंट में मंथली कितना पैसा आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ये जानकारी निकालें कि आप एक महीने में कितना खर्चा कर देते हैं, आपके पास कितना बिल आता है जो कि आप बोल सकते हैं आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप मंथली एक्चुअल में कितना सेविंग्स कर सकते हैं या करते हैं। और लास्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो चार स्टेप्स हैं, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चारों स्टेप मिलके होती हैं आपके फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका।
चलिए, अब जैसे आपको पता चल चुका होगा कि आपकी इनकम कितनी होती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ये पता करें आपका मंथ में कितना एक्सपेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेट योर एक्सपेंस। जैसे कि आप मंथ में 4-5 बार अगर रेस्टोरेंट जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, आपका जो बिल आता होगा लाइट का हो गया, फ़ोन का हो गया या क्रेडिट कार्ड का हो गया, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, फिर अगर आपके पास कार है तो उसमें आपको फ्यूल डालना पड़ता है, और भी बाकी के जो भी आपके खर्चे हैं आपको उन सबको कैलकुलेट भी करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि होता है कट योर एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आपके खर्चे हैं उनको आपको कम करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी इनकम होने के बाद आपके कितने बिल जनरेट होते हैं, यानी कि कितना खर्चा होता है, वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आप उनमें से कौन से खर्चे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर महीने में 4-5 बार मूवी देखने जाते हैं तो वो उनकी फ्रिक्वेंसी आप करके 2 या 3 बार कर सकते हैं। अगर आप 3-4 बार रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आप उनको भी कम कर सकते हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है या जो आप शॉपिंग करते हैं अननेसेसरी वाली, कई बार शॉपिंग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को करके आप अपना एक्सपेंस कम कर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों में कटौती करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई सैलरी इंक्रीमेंट हुई है तो उस इंक्रीमेंट को भी आप अपने एक्सपेंस कट करने के बाद जो सेविंग हो रही है उनको जोड़ेंगे तो आपकी वो एक्स्ट्रा सेविंग्स में काउंट होगा। चलिए अब जो अगला स्टेप है वो है कि आपने जो एक्सपेंसेस कट करके अपना खर्चा कम करके पैसे बचाए थे और साथ ही साथ जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है उससे जो आपकी सेविंग्स इंक्रीज हुई है उनको आप अलग अलग फंड्स में या फिर आपके जो गोल पूरा करने के जो टारगेट हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेप हो गई कि आपका जो भी एक्स्ट्रा सेविंग्स है उनको अपने गोल को पूरा करने के लिए कैसे असाइन करना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि भले ही आप अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी जो होती है उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या फिर किसी भी मार्केट की बुरी कंडीशन की वजह से आपकी जॉब खतरे में आ सकती है या फिर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर एंड बी रेडी फॉर दी इमरजेंसी। इसके लिए भी आपको एक फंड पहले से एलोकेट करके रखना चाहिए ताकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको अपने जो गोल्स पूरे करने के लिए आपने फंड एलोकेट किया है उसमें कोई फेरबदल ना करना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनकी जो भी कॉस्ट निकाली थी उनको दोबारा चेक किया जाए, साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन चेंज होती है उसी प्रकार से आपके जो गोल्स हैं उनका जो कॉस्ट आएगा वो भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का घर लेने का सपना देखा था तो हो सकता है 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाए। आपने जो फैमिली गोल के लिए 3 से 5 लाख सोचे थे लग सकते हैं वो बढ़ के 9 लाख भी हो सकता है। चाइल्ड एजुकेशन जो आपने सोची होगी कि 30 लाख में हो जाएगी, हो सकता है जब तक आपके बच्चे बड़े हों वो 50 लाख हो जाए। रिटायरमेंट के लिए जो आपने 2 करोड़ का अमाउंट सोचा हो सकता है रिटायरमेंट आते आते तक 5 करोड़ तक की वैल्यू हो जाए। तो आपको इन्फ्लेशन एक ऐसा पैरामीटर है जिसे भूलना नहीं चाहिए। तो अगली स्टेप जो है वो है कि आपको कंटिन्यू देखना चाहिए कि आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करें या सेविंग्स करें, जिस वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट करें और आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करें। तो करंटली जो ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं वो हो सकता है फिक्स डिपॉजिट का, गवर्नमेंट बॉन्ड आप ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी ले सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है तो लगभग 10 साल लग जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट डबल होने में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि 7 से 9% तक का रिटर्न देते हैं उसमें 8 साल लग जाएंगे। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड में तो निगेटिव रिटर्न मिला है, और ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछले कई सालों से तो अच्छा रिटर्न आया है, एटलीस्ट 40-60% का रिटर्न डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू मिला है, जिसके थ्रू आपका जो अमाउंट है वो केवल 2.5 साल में ही डबल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में जो है 12-18% तक का रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है, उसमें भी 6 से 4 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने की पॉसिबिलिटी रहती है।
अभी तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के 8 पॉइंट देखे जो कि कवर करते हैं कि आपको अपने गोल्स का कॉस्ट कैसे निकालना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए, कैलकुलेशन जो आपके मंथली एक्सपेंस होते हैं कैसे करने चाहिए, और आपका जो इमरजेंसी रहता है उनको कैसे कवर करना चाहिए, आपका जो भी फंड बचता है उसको कैसे आपके इन्वेस्टमेंट में असाइन किया जाए, एक्सपेंस को कट कैसे किया जाए, और जो भी कटिंग होने के बाद आपका बचता है वो सारी चीज़ें कैसे चेक की। लास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया वो था कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब इनके बाद तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे किया जाना चाहिए, और उसके बाद है कि जब प्लान बन जाता है तो उसके लिए डिसिप्लिन क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, और किस तरीके का डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में रखना चाहिए, और लास्ट जो पॉइंट रहता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो तीनों पॉइंट हैं इनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका फ्यूचर रहेगा, इसलिए इसका जो डिस्कशन है थोड़ा लंबा चलने वाला है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा।